हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल टैरेट्स। टुडे हम इस वीडियो फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि के जातकों का 1 जून से 15 जून तक का समय कैसा जाएगा, 1 जून से 15 जून तक का समय मैं देखना चाहूँगी। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएँ कि कुंभ राशि के जातकों का एक्वेरियस जिनका जोडिक साइन है उनका 1 जून से 15 जून तक का समय कैसा जाएगा, क्या मैसेज है उनके लिए जिससे वो प्रिकॉशन ले सकें और 15 दिन उनके अच्छे से कवर अप हो सकें। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ फर्स्ट कार्ड दिखा रहा है कि इस वक्त आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ काम करें तो अच्छा है। और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, जैसे होता है ना कि मैच्योर इंसान कब होता है, जब वो एक्सपीरियंस लिए हुए होता है, जो भी पहले उसने गलतियां करी हैं उसको दोबारा वो नहीं दोहराने की कोशिश करता। अगर आपने दोहराने की कोशिश करी गलती से भी, अगर आपने बचपना दिखाया और कोई डिसीजन लेने में आपने एकदम से, जैसे होता है ना, झड़क जाना, गुस्से हो जाना, मैच्योर पर्सन क्या होता है, शांत रहता है, शांत मन से, शांत दिमाग से सोचेगा तब वो डिसाइड करेगा कि मुझे आगे क्या करना है या मुझे क्या बोलना है। तो ये ध्यान रखिएगा अपने ऑफिस में, अपने घर में, अगर आप एक स्त्री हैं, हाउस वाइफ हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है मैच्योरिटी के साथ। अगर कोई जना झिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, तो शांत हो जाइए, शांत होकर बोलिए तो अगला जना अपने आप ही शांत होकर के उसको खुद एहसास हो जाता है कि वो गलत है। ये होती है मैच्योरिटी। तो ये मैच्योरिटी आपको लेकर चलनी है। अगर नहीं चले तो चीज़ें आपके लिए ध्वस्त हो सकती हैं। डैमेज का कार्ड आया है, बर्निंग टावर कार्ड आया हुआ है, रिश्ते टूट सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट या प्लानिंग जो आप कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर आपका जो भी घर में मैनेज कर रहे हैं वो भी आपका अफेक्टेड हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी आप कहीं भी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, वहाँ गुस्सा बिल्कुल नहीं होना है। बहुत ही शांत दिलो दिमाग से आपको मैच्योरिटी के साथ इस वक्त सावधानी के साथ बरतनी है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो लोग बहुत लकी हैं, वो लोग बहुत अच्छा है कि आप एटलीस्ट इस चीज़ को, मेरी बात को मानेंगे, ये क्योंकि ये कार्ड ठीक नहीं होता है। ये चीज़ों को डैमेज आप जानते हैं, जो लोग पुराने देखते आए हैं, ये चीज़ ठीक नहीं होती है कि आप चीज़ों को ध्वस्त कर दें उठा करके। ध्वस्त नहीं करना है, हमें चीज़ों को मैनेज करने आना चाहिए और चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा मैच्योरिटी के साथ काम करें। सबसे पहला ही एंजल की तरफ से मैसेज है, बहुत मैच्योरिटी के साथ आपको काम करना है। कोई जना आपकी इमेज ख़राब कर सकता है, यही गुस्से की वजह से, यही झिल्लाने की वजह से हो सकता है आपको कोई चीज़ ना प्राप्त हो रही हो, छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कोई जना आपको गलत तरीके से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे और आपसे संबंध बनाने की कोशिश करे, अफेयर का कार्ड है, मत करिएगा, ये सब चीज़ें आपको करनी ही नहीं है। बिल्कुल शांत दिमाग से आपको मनन चिंतन करना है कि मुझे जो भी डिसीजन लेना है वो शांत मन से, दिलो दिमाग से लेना है कि मेरे लिए सही है या गलत है। क्योंकि कोई जना आपको अफेयर करने की कोशिश कर सकता है, कोई जना आपसे रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकता है गलत तरीके से, जो कि बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो ये चीज़ ना होने दीजिएगा। इस वक्त आपको, जैसे मैंने बोला ना कि आप बहुत ही शांति चाहेंगे, दिल और दिमाग में शांति बना के रखिए। थोड़ा सा दिमाग जो है अपना, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जहाँ आपको मन लगता है, आप अपने पेड़ पौधों के पास बैठिए, जहाँ भी मन लगता है, क्योंकि मेरा मन लगता है पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा, या भजन सुनने में, भगवान का कीर्तन करने, या भगवान श्री कृष्ण को मैं मानती हूँ, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिस किसी भी गॉड को आप मानते हैं उसकी बुक्स पढ़ना, इससे मन शांत रहता है। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। आप इस वक्त खुद ही झगड़ों को जो है वो ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। हो सकता है कोई जन आपसे झगड़ने के लिए आए, तो ज़रूरी है कि आप उसके हंस हंस के ऐसी टाल दें कि अरे छोड़ो ये सब बेकार की बातें, क्या करना है। तो इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है, कोई इशू अगर आपके पास आ रहा है, कोई विवाद अगर होने का आप चांस आपको दिख रहा है, तो प्लीज़ उसको उसी वक्त हंसी मजाक करके उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा। और यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि कुछ नया क्रिएटिव चीज़ करने की कोशिश करेंगे आप। जैसे कि मैंने बोला अभी कि आप कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पिता समान व्यक्ति से आप संपर्क में रहिए, अपने फादर संपर्क में रहिए। फादर आपके नहीं हैं, ब्रदर होंगे, बड़े भाई होंगे, कोई तो आपके पिता समान, या आपके बॉस हो सकते हैं, या कोई सीनियर, कोई कलीग हो सकता है जिसका आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो, एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, उससे आपकी सलाह लेकर के कुछ नया, कुछ
आप क्रिएटिव काम करने की कोशिश करें इस वक्त, और बहुत ज़रूरी है क्रिएटिव काम करिए, शुरू करिए, हो सकता है कि आगे जा कर के वो फलित हो, आपको फ्रूटफुल हो। मैं आपके यहाँ पे रिश्ते देख लेती हूँ कि किस तरह का यहाँ पे रिश्ता दिखा रहा है कुंभ राशि के जातकों के लिए, कि आपको अपने रिश्ते संभालने के लिए, सुधारने के लिए क्या करना चाहिए इन 15 दिनों में, किस तरह के रिश्ते रहेंगे आपके लव मेट के साथ। यहाँ जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, ये फर्स्ट कार्ड दिखा रहा है कि आपको इस वक्त अपने आसपास रिश्ते में नेगेटिविटी फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि डैमेज का कार्ड, बर्निंग टावर कार्ड जो आया था, जैसे कि मैंने बताया कि इस वक्त आपको अपने रिश्ते संभाल के चल रहे हैं, यही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है आपके रिश्ते में भी, कि आपको इस वक्त डार्क चीज़ों से या जो आपकी नेगेटिविटी बढ़ा सकती हैं उससे आपको दूर रहना है, बिल्कुल ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं है। अपने रिश्ते संभालने के लिए कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, कुछ तंग कर सकते हैं कुछ लोग आपको, तो ये ध्यान रखिएगा कि कुछ तंग करने वाले लोग या जहाँ एटमॉस्फेयर आपकी बुराई हो रही हो वहाँ मत जाइएगा, पीठ पीछे आप हो सकता है पीठ पीछे आपकी बुराई हो रही हो, सामने कुछ और आके कह रहे हो, ऐसे लोगों से भी दूर रहिएगा, क्योंकि ये डार्कनेस का कार्ड है और ये ठीक कार्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और जो नेक्स्ट है वो ये बता रहा है कि इस वक्त आप एकदम ब्लू कलर स्टोन है, दैट मीन्स कि आप इस वक्त बहुत शांति चाहेंगे, बहुत ही चीज़ों को लेकर के जजमेंटल होने की भी, क्योंकि ब्लू कलर जजमेंट का भी होता है, तो दैट मीन्स कि आपको ये जो स्टोन है लैपिस लाजुली वाला, ये बता रहा है कि इस वक्त आप बहुत ही शांति के साथ काम करिए, दिलो दिमाग से सोचिए कि आपको क्या क्रिएटिव काम करना है इस वक्त अपने रिश्ते को सुधारने के लिए। आप जैसे तो ना पत्नी को कुछ गिफ्ट दे दिया, या अगर आपकी कोई बहन है जिससे आपका लगाव हो बहुत ज़्यादा तो उसको कुछ गिफ्ट दे दिया, या आपकी माँ से बहुत ज़्यादा अच्छे से बनती है, माँ से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आपकी माँ से, अगर आप सिंगल हैं, मैं सिंगल लोग की बात करूँ, जो भी लव मेट है आपके लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं तो जिस किसी के साथ भी आप रह रहे हैं, अगर आप फादर के साथ रह रहे हैं तो फादर को दे दीजिए कुछ अपना, तो उनका मूड सही हो जाएगा। कुछ उनको मूवीज संग में बैठ के देखना या पॉपकॉर्न बैठ के खाना, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं रिश्ते संभाल लेती हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए करना ज़रूरी है। और इस वक्त यहाँ पे ये बता रहा है, आप चैम्बर दे सकते हैं, दैट मीन्स कि इस वक्त आपको बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ें करनी होंगी, दैट मीन्स कि आपको ये नहीं कि अगला जना गुस्सा हो रहा है तो आप डर रहे हैं कि चलो पता नहीं ये मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, या सुनेगी कि नहीं सुनेगी, बिल्कुल सुनेंगी या सुनेगा। अगर आपकी लव मेट है, आपकी क्लोज पर्सन है, आपको समझती है या आपको समझता है कोई जना, तो वो गुस्सा हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता, ये या कार्ड यही बता रहा है, आपको इस वक्त चैलेंजिंग काम है उसको गिफ्ट देना या उसको दिल को जीतना, तो ये डार्क चैम्बर में आपको घुसना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, रिश्ता संभालना है तो जो कोई भी जिसको भी आप चाहते हैं, तो उससे क्या होगा कि उससे हीलिंग होगी, आप दोनों के रिश्तों के बीच में हीलिंग होगी। लास्ट में जो कार्ड आया है ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेडी ऑफ स्टार्स का कार्ड है, दैट मीन्स कि जो आसपास के सितारे हैं इस वक्त, वो भी आपका जो ऑरा है, ऑरा जैसे होता है ना पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे आसपास होती है, इन सब चीज़ों से जब आप मेहनत करते हैं ना किसी रिश्ते को संभालने के लिए, तो अपने आप ही ऑरा अच्छा हो जाता है, पॉजिटिविटी आती है रिश्ते में, तो ये कार्ड एक तरीके से ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की तरफ से कि आप इस तरीके से अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। देखिए घर में अगर सब कुछ अच्छा चले, रिश्ते अगर अच्छे हों, तो आदमी अपने आप ही अपने काम पर ध्यान देने लगता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने काम पे ध्यान अगर देना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रिश्ते सुधारना बहुत ज़रूरी है। जो कोई भी लव मेट हैं आपके घर में, जो भी आपको चाहने वाले हैं, आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ घुलिए मिलिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है आपके लिए उसको करिए, और कुछ नेगेटिव एनर्जी से नज़र लग सकती है तो वो भी एक तरह का उस पर आई रखिए, उस पर नज़र रखिए कि कोई चीज़ आपकी ध्वस्त ना हो जाए, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड यही बता रहा है कि नेगेटिविटी को है, डार्कनेस हो सकती है, लेकिन इतनी ये जो दो कार्ड हैं ये मैसेज कर रहे हैं कि आपको इस तरह का काम करना है, और लास्ट में अगर आप ये काम करते हैं तो आपके रिश्ते एज अ स्टार, एज अ चमक के आए, मतलब आप औरों के नज़रों में एक स्टार के तरह दिख सकते हैं, मतलब अगला जना आपको बहुत मानेगा, ये चीज़ है। तो आई थिंक ये मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।